थ्रिलर परफेक्शनिस्ट आमिर खान सालों से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते आ रहे हैं। वहीं वो इस साल दिवाली के मौके पर अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये क्या, अपनी इस फिल्म को लेकर आमिर डरे हुए नजर आ रहे हैं। आमिर को लग रहा है कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान कहीं दिवाली पर फुस ना हो जाए। दरअसल फिल्म को लेकर आमिर खान काफी ज्यादा नर्वस हैं। आमिर को डर है कि फैंस फिल्म में उनके रोल को पसंद कर पाएंगे या नहीं। बता दें कि ये एक कमर्शियल फिल्म है और आमिर का कहना है कि पिछले कुछ सालों से उनकी छवि सोशल मैसेज देने वाले इंसान की बन चुकी है, लेकिन थग्स ऑफ हिंदुस्तान में उनका किरदार उनके छवि के बिल्कुल अलग है। आमिर का कहना है कि रंगीला के बाद अगर उन्होंने कोई किरदार पूरा एंजॉय किया तो वो फिरंगी है, लेकिन पता नहीं दर्शकों को फिरंगी पसंद आएगा कि नहीं। बता दें कि आमिर की चिंता इसलिए भी बड़ी हुई है कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर कुछ खास बस नहीं दिखाई दे रहा है। जब फिल्म का ट्रेलर आया था तब भी काफी लोगों ने फिल्म का जमकर मजाक उड़ाया। बताया जा रहा है कि फिल्म के VFX पर मेकर्स ने जमकर पैसा बहाया है और फिल्म का बजट भी 250 करोड़ है। वेल, देखने वाली बात तो ये होगी कि आमिर की इस फिल्म को फैंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, आमिर और अमिताभ बच्चन की थग्स ऑफ हिंदुस्तान ब्लॉकबस्टर साबित होगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।